हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 6 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ये मैंने कपड़ा लिया है, इसकी चौड़ाई 4.5 इंच रखी है मैंने। लंबाई इसकी, टोटल लंबाई मैंने इसकी 35 इंच रखी है, 35 इंच इसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर मैंने अस्तर लिया है। अस्तर यहाँ पे मैंने जोड़ लगाया है, इसे हम सीधा रखेंगे, इसे उल्टा रखेंगे। इस तरह से अंदर की तरफ मेरा सीधा है, ऊपर की तरफ उल्टा है। और यहाँ पे हम 3 साइड से सिलाई लगा लेंगे इसकी। यहाँ पे मैं 3 साइड से सिलाई लगा लेती हूँ। इस तरह से मैंने इसके 3 साइड से सिलाई लगा ली है। अब हम इसे सीधा करेंगे इस तरह से। अब हम इससे, इसी नुकीली चीज से हम इसके कोने बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। अब इसकी चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ पे लगा लेंगे इनो साइड और ऊपर की तरफ लगा लेंगे। इससे हमें प्लेट्स लगाने में आसानी हो जाएगी। इतना काम करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने चारों साइड से सिलाई लगा ली है। और यहाँ पे हम इस तरह की लेस है मेरे पास, ये लगाऊंगी यहाँ पे इस तरह से। इस तरह से लगाऊंगी, इस तरह से मैंने इसमें लेस लगा ली है इस तरह से। और यहाँ पे हम टिश्यू रिबन लगाएंगे तरह से। इस तरह से मैं दोनों साइड लॉक करके आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने इसकी दोनों साइड से लॉक कर लिया है इस तरह से। अब हम इसमें प्लेट्स लगाएंगे, जितने हमारे कान्हा जी की कमर है उसी के बराबर लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से रखते जाएंगे, नीचे से बराबर रखेंगे हम। इस तरह से मैं प्लेट्स लगाकर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने इसमें प्लेट्स लगा ली हैं। प्लेट्स मैंने 6 इंच में लगाई हैं। गुलाई हमारी इस तरह से बन के आई है उस तरह से। अब मैंने ये दो पट्टी ली चोली के लिए। इसकी चौड़ाई मैंने 1.25 इंच ली है, लंबाई इसकी 5.5 इंच ली है। ये दो मैंने पट्टी ली है। अब हम इसकी दोनों साइड से ही टिश्यू रिबन लगा लेंगे इस तरह से। मैं दोनों साइड से और दोनों पट्टी पर लगाकर दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने इन दोनों पर टिश्यू रिबन लगा लिया है। इस कपड़े पर मैंने अस्तर भी लगाया था। अब हम इसके ऊपर एक रखेंगे इस तरह से यहाँ पे। और मैं यहाँ पे एक तिरछी सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने तिरछी सिलाई लगा ली। अब यहाँ पे बाजू की तरफ लगाएंगे हम इस तरह से। पर 1 इंच तक मैं तिरछी सिलाई लगा लूंगी दोनों तरफ लगा कर दिखाती हूँ। मैंने दोनों तरफ बाजू की तरफ दोनों तरफ लगा ली है तिरछी सिलाई। अब हम इस पर इस तरह से लगाएंगे। यहाँ पे बीचा बीच में पहले हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम बीचा बीच में रखेंगे इसे। इस तरह से। और यहाँ पे इस तरह से लगा लेंगे। मैं इतना काम करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से कुछ डिजाइन बन के मैं तैयार हो गई। और यहाँ पे मैंने इस तरह से चोली लगा ली। और यह ड्रेस हमारी बन के तैयार हो गई।
इस तरह से हम इसकी प्लेट नाखून सी इस तरह से एक सेट कर लेंगे। ये मेरे 6 नंबर के कान दिए, मैं इन्हें पहना कर दिखाती हूँ। इस तरह से पहनाएंगे हम। तरह से मेरी वीडियो, मेरे समझाने का तरीका पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना, डिसलाइक करना।